सो हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डस्की स्किन लुक पे मेकअप। तो ये मेकअप मैंने कैसे अचीव किया है, चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ। ब्यूटीफुल सा आई मेकअप बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में मैं बताने जा रही हूँ आज आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे मैंने किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रही हमारी क्लाइंट जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज थी, तो हमने इनकी स्किन को बहुत अच्छे से क्रीम से प्रेप किया है एंड स्क्रबिंग की थी सब फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद क्रीम अप्लाई करके मॉइस्चराइजर से मसाज किया है। एंड फिर तब जब तक कि मैंने मसाज क्रीम छोड़ दी है, मैं आईज का मेकअप कर रही हूँ, तो यहाँ आई के लिए मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया। मैं बहुत ही बिल्कुल ही लाइट मैं मेकअप कर रही हूँ आईज का, एंड दो कलर से मैंने सिर्फ आई कलर आई शेडो से ये मेकअप किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी सिंपल वे में आई मेकअप है। यहाँ मैंने लाइट पिंक कलर लिया है एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है आप देख सकते हैं, और डार्क पिंक से अब मैं कॉर्नर सेट कर रही हूँ एंड इनके इनर कॉर्नर पर मैंने वाइट कलर का शेडो लगाया है आई शेडो, और उसको बस अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं किया है। एंड अभी मेरे जो आई शेडो पैलेट पे शाइनी कलर था ग्लिटरी शेड, उसको मैंने अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ मैंने गोल्डन शिमर लिया है और जहाँ पे मैंने वाइट कलर अप्लाई किया था उसको उसे के साथ ब्लेंड कर दिया है। एंड ऊपर मैंने, क्योंकि इनके जो ड्रेस का कलर पे जो एम्ब्रॉयडरी थी वो गोल्डन कलर की, तो यहाँ मैंने गोल्डन कलर से ही हाईलाइट एरिया पे हाईलाइटिंग कर दी है। एंड अभी आईब्रो सेट करेंगे एंड बीच बीच पे मैं इनके स्किन को चेक करती जा रही थी कि मॉइस्चर लेवल अच्छा हो जाए, इन स्किन हाइड्रेट हो जाए, तो साथ के साथ मैं वो करती जा रही थी। एंड अभी आईज को आई मेकअप कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ लाइनर अप्लाई किया है, और बहुत ही पतला लाइनर यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इनको मेकअप भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था, बिल्कुल नेचुरल मेकअप चाहिए था। एंड क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज थी तो हमने स्किन प्रेप पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। और अभी प्राइमर अप्लाई करने के बाद यहाँ मैंने 303 क्रायलॉन लगाया है, पूरे फेस पे ही इनके नीड थी, तो बहुत अच्छे से लगाने के बाद अब मैं ब्लेंड कर दे रही हूँ। तो यहाँ 303 क्रायलॉन का उसको लगा के मैंने पूरे फेस पे ब्लेंड कर दिया है। एंड अभी हम फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं एंड आप देख सकते हो फाउंडेशन मैंने बहुत ही कम लिया है, बहुत ही लाइट फाउंडेशन है, और उसको पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। तो ये रहा इनका फाउंडेशन का, मुझे थोड़ा सा ब्राइट लग रहा था तो मैंने डार्क थोड़ा सा एक टोन डार्क कंसीलर लिया है एंड इनके हाइलाइटिंग एरिया पे उसको कर दे रही हूँ, क्योंकि स्किन कलर करने के लिए मैंने आईज को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। एंड अभी पूरे फेस पे पाउडर सेटिंग कर दी है बिकॉज स्किन बहुत ही लाइट मैंने पाउडर सेटिंग करी है, आप देख सकते हैं स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो बहुत ज़्यादा मैंने पाउडर एप्लीकेशन नहीं करी है। एंड अभी है लिप्स की बारी, तो लिप्स के लिए मैंने यहाँ रेड कलर चुना है क्योंकि लाइट कलर इनके ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ आई लैशेज एंड लाइनर वगैरह सब लग गया है, और ये रहा इनका पूरा मेकअप लुक जो कि थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगा। एंड ये रहा इनका, अभी मैंने पाउडर पे सेटिंग कर दी, और ये रहा मेकअप का ऑल ओवर लुक एंड इनका फीडबैक। आज ही आपका मेकअप हुआ है एंड आज ही आपने स्किन ट्रीटमेंट लिया है, तो कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, और सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे कि नहीं बहुत चेंज लग रहा है लुक और हेयर स्टाइल, एवरीथिंग इज बहुत अच्छा, बहुत ऑसम। स्किन ट्रीटमेंट जो किया है उससे क्योंकि आपके स्किन में अभी दवा चल रही है उसका, तो स्किन उसमें भी बहुत अच्छा है और स्किन भी काफी क्लियर लग रही थी, बहुत ही अच्छा है सारी चीजें। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा है एंड ये रहा इनका आई मेकअप। तो मेकअप अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।